हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत सारा प्यार, दिन रात तरक्की करी। और ये का जो पहला सलून है सिर्फ सरदार इसका उद्घाटन करने आया है, क्योंकि हम लोग दाढ़ी भी नहीं कटवाते और बाल भी नहीं कटवाते, और ये फर्स्ट टाइम है कि इस एक ऑर्गेनाइजेशन करने में सरदार पहुँचा हूँ मैं। मेरी बहुत ज़्यादा को शुभकामना है कि ये तरक्की करे और चले, और प्रॉब्लम चाह वाहेगुरु मेर करेगा। आपने भी शुरुआत की होगी किसी चीज की, आज आप इस मुकाम पर हैं, तो जब कोई एक नई शुरुआत करता है तो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनके इस कार्य के लिए, क्या उन्हें एडवाइस करेंगे कि उन्हें इस तरह से ईमानदारी और ईमानदारी से काम कीजिए। दिल में किसी के लिए नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ काम कीजिए, फल के बारे में मत सोचिए। ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा सोचा और अच्छा ही होगा हमेशा। और सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, आप अभी और आगे किस तरह से कार्य आपके जारी है? देखिए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा और हो सके, क्योंकि देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। आज या तो हिंदू सेना बनी हुई है, आज या कोई मंदिर के चक्कर में झगड़ा कर रहा है या मस्जिद के चक्कर में झगड़ा कर रहा है। एक सोच थोड़ी सी नहीं लेके आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए कि जहाँ पे ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एकजुट एक देश के लिए। सर देश जोड़ने की बात हो तो हमारे साथ आओ, देश तोड़ने की बात हो तो दूर से नमस्कार। विक्रम सर आज एक खास अनाउंसमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले तो मीडिया को क्या खास अनाउंसमेंट है और काफ़ी बड़ा एक स्टेप है आपकी तरफ से, और क्या प्लानिंग है उस अनाउंसमेंट को लेकर आ रही है? सर मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों ने मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप जिस ब्लड से रिलेशन रखते हो, जिस ब्लड से ताल्लुकात रखते हो आप, तो आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो एक सोच काफ़ी सालों से थी कि मैंने काफ़ी टाइम तो यूरोप काटे हैं, यूरोप रहा हूँ मैं, और सबको ही पता है कि 90% मैं स्पेन रहता हूँ। पर अभी मेरे लॉकडाउन में जितना वक्त हिंदुस्तान में बिताया या पहले आना और निकल गया असर हमेशा रहा है, तो बहुत चीज़ें यहाँ देख के फेस की जो लॉकडाउन में फेस किया, लोगों को तकलीफें झेली हैं, लोगों ने जो चीज़ें हुई हैं सबके साथ, तो उस चीज़ को जाहिर करते हो कि हमने ये सोचा कि ये हर कोई आज के डेट में सिर्फ अपनी रोटी सेकने लिए बैठा हुआ है, कोई दूसरे को नहीं देख रहा कि दूसरे के लिए क्या किया जाए। अगर आपको याद है तो लोगों ने 84 याद करा दिया भाई, पाकिस्तान जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा वो याद करा दिया कि लोग बैलगाड़ी से भी अपने घर पहुंचे हैं। 84 नहीं है, 1920 है यार। आज दुनिया चांद को भी क्रॉस कर गया, आज भी हम फिर बैलगाड़ी भी हम लोग चल रहे हैं। वही थोड़ी सोच नई चीज़ करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा नया अनाउंसमेंट, मैं नाम नहीं दूंगा, मैं नाम आपको नहीं अभी बता सकता कि थोड़ी चीज़ें हैं, और जो संगठन जुड़ने जा रहा है उसके अंदर ये बैठे हैं सारे मेरे भाई, आप पूछ सकते हैं क्या करके, आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे, हमारे स्पीकर हैं, आप बात कर सकते हैं जो चाहे पूछ सकते हैं भाई से, सफक भाई से। विक्रम जी का ये जो नया इनिशिएटिव है, जो नया करने वाले हैं कार, उसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में रोशनी डालिए, क्या नया होने वाला है? विक्रम जी ने जो देश के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए एक नया माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग सब, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इतना बांट दिए गए हैं कि जो हम बचपन में एक साथ खाना खाते थे बैठ के एक थाली में, हिंदू हमारे साथ खाता था, मुसलमान उनके साथ खाता था, हम एक दूसरे की दिवाली में और ईद में जाते थे, लेकिन माहौल आज देश का इतना गंदा कर दिया गया है कि एक दूसरा देखने को राजी नहीं है। बैठ के खाना खाने की तो बात बहुत बड़ी हो गई। इंशाल्लाह अभी जो विक्रम सिंधु जी जो एक प्लान लेके चले हैं उसमें हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होके, और इंशाल्लाह जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, विक्रम साहब हमारे देश को जोड़ेंगे ही नहीं और एक मजबूती के साथ जोड़ के एक नई फीलिंग लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि आप लोग ज़रा हमारा साथ दें और हम सब मिलकर एक ही वे में काम करें। जिस तरीके से 1947 में देश आज़ाद हुआ और लोग चले गए पाकिस्तान, अगर चाहते नेहरू जी तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता, और अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो आज ये पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब एक होता। हम चाहते हैं कि वापस से सब एक हो जाए और हम सब मिलकर एक साथ जैसे पहले खाते कमाते थे, अपने मौज मस्ती में रहते थे, उसी तरीके से हम लोग खूब खाएं पिएं और संघर्ष करें, लेकिन संघर्ष होना चाहिए सबको एक करने का। संघर्ष आज का जो चल रहा है वो एक दूसरे को अलग करने का चल रहा है, और कितनी तेज़ी से अलग किया जा रहा है वो आप सब मीडिया वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया वाले सब जानते हैं। विक्रम जी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटे जा रहे हैं, धर्म बांटे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या राजनीति पार्टियों की अपनी रोटी सेकते हैं? बिल्कुल, अपनी आज की जितनी पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी और उनका साथ हम लोग खुद देते हैं, आप में से हैं, हम में से हैं जो उनका साथ देते हैं।
आज इतने बोल दिया मैं हिंदू सेना खड़ी कर रहा हूँ, तो हिंदू एक डट में मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो गया। सच्चाई है ये, आज हिंदू यही शुरू से लेके आज तक का यही मुद्दा चला हिंदुस्तान में। स्टार्टिंग में सरदार और मुसलमानों को एक साथ नहीं होने दिया, मैंने वो भी रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने अपने 90% में मुस्लिम जुड़े हुए हैं, मेरे जिगरी नहीं भाई नहीं, मेरे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट तक लोग कहते हैं मुस्लिम कभी जुड़ता नहीं, मैं कहता हूँ मेरी आज तक लाइफ में साथ में खड़े हैं। मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों से लास्ट टाइम एक इंटरव्यू आप लोगों ने किया था मेरे बच्चे का बर्थडे, उस टाइम भी मैंने कहा था मेरा नाम पाकिस्तान से जोड़ा गया था, याद है आप लोगों को, मेरा नाम पाकिस्तान से जोड़ा गया था। मैं पाकिस्तान की सपोर्ट में कभी नहीं गया हूँ भाई, कभी नहीं गया। मैंने लास्ट टाइम भी वही बोल दी, आज भी वही बोल रहा हूँ, ना तो वहाँ की जनता बुरा चाहती है ना यहाँ की जनता चाहती है। अगर तीन लोग जिंदा होते तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये तीन लोग होते तो पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान कभी नहीं बनता। क्या आप इस बात पे सहमत हैं? तो आपको लगता है हिंदू और पाकिस्तान और भारत एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं हो जाए। एक्चुअली पाकिस्तान थोड़ी है, वो तो हमारा पुराना भारत है, वो तो हाथ देने को तैयार हो जाए हम हाथ लेने को तैयार पड़े हैं। लेकिन जो उनकी तरफ से एक के बाद एक जो उनकी गंदी हरकतें सामने आती है उसको वो आप नहीं देख रहे हैं? मैं तो पूरी देख रहा हूँ भाई, मेरा बस चले तो मैं पूरा पाकिस्तान यहाँ उठा लाऊं, कब्जा कर दो एक घंटे के अंदर। आपने लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, कई लोग ऐसे हैं जो सामने आकर उनकी, देखो हम लोग मैं फेम में नहीं आया हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने सपोर्ट भी की है। मैं क्या करने वाला तो ऊपर वाला है, कोई किसी की सपोर्ट, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, जिसका दाने पे नाम लिखा उसने खाना ही है। हमारे संगठन हमने मिलके हम सामने नहीं आए, हमने मिलके सब काम किया सब। क्या दिन में 700-800 लोगों का खाना बनता था, लंच और डिनर हम लोग करवाते थे, पर हम लोग सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि हम लोग एक बड़ा यूट्यूब पे बड़ा मुद्दा चला था कि राशन दो और फोटो खिंचाओ, उस चक्कर में हम लोग सामने नहीं आए। हमने राशन भी दिया, खाना भी बंटवाया, सब किया। हम सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, सेवा करना, सपोर्ट करना, नाम नहीं फेम नहीं चाहिए। लेकिन ये पहल आपका क्या आगे चल के किस तरह से इस पहल को आप मजबूत करेंगे या एक इमेज क्रिएट करेंगे इस चीज़ को लेके, जैसा एकता की बात कर रहे हैं तो क्या एकता का सूत्रधार बनने वाले हैं आप? क्या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, आज देश की आज़ादी में कितने क्रांतिकारी, किसको पता है कितने लोग शहीद हुए हैं? कम से कम 4,000-4,500 लोग शहीद हुए, कोई किसी को जानता है? गिने चुने नामों के अलावा जानता है? मैं उन जिंदे जो लोग उस शहीद में उन लोगों को जिंदा करने जा रहा हूँ बस। अभी तक का क्या प्रयास रहा है इस चीज़ को लेकर, अगर आप कुछ सोचे हैं कुछ करना चाह रहे हैं? यार मेरे अकेले से क्या, ये लोग बैठे इनसे तो कुछ है। हाँ तो राय दीजिए वाल्मीकि मंदिर है चार बंगला में एक मंदिर है जहाँ 17 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है, वाल्मीकि मंदिर। पाजी ने उसका पूरा प्रोग्राम मेरे हाथ में दिया है, उसकी पूरी देखरेख मैं कर रहा हूँ, और वो प्रोग्राम जो है नवरात्रि में इंशाल्लाह सारा काम मेरे हाथों से होगा। ये एक बड़ी मिसाल है और एक बड़ा संदेश है कि एक मुसलमान होके उस मंदिर में जाके और पूरा काम करके उस काम को, उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे और मजबूती के साथ कामयाब करेंगे। ये पहली मिसाल आपको बता रहा हूँ। उनके लिए तो थप्पड़ नहीं, मतलब कसके एक चमाट उनके मुंह पे लगने वाला है कि यार आप देश तोड़ो नहीं, देश जोड़ो। ठीक है आज, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लड़की हैं, आज कहीं भी निकलती बाहर आज जाती हैं, बाहर कहीं भी जाती हैं, आपको क्या लगता है कि अब 90% जाके हिंदू मुस्लिम करके क्या है कि नहीं है? आप लोग सिर्फ इस चीज़ को कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हर जगह पे अपनी अपनी पार्टियों का रोटी सेकने का धंधा चल रहा है। कहीं आपने जुड़ा है, सोचा है या देखा है किसी भी पार्टी ने ये कहा कि नहीं यार हमारी पार्टी में सब इक्वल हैं और इक्वल ही चलेंगे, किसी एक पार्टी ने कहा आज? बताइए एक भी पार्टी का नाम दीजिए। मैं ना किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के सपोर्ट में हूँ, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ ना बीजेपी के खिलाफ हूँ ना मनसे के खिलाफ हूँ ना शिवसेना के खिलाफ हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। उन लोगों को बनाने वाले तो आप ही हैं, आप लोगों ने बनाया उसको और आप भी चीज़ करते हैं। आप रिश्वत देंगे नहीं तो दूसरा रिश्वत लेगा नहीं, जब आप रिश्वत देना बंद करेगा तो सामने रिश्वत लेना बंद करेगा। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले खड़ा कौन होता है? हम में से लोग हैं ना। विक्रम
आगे चुनाव में अगर राजनीति में बात की जाए, राजनीति में आने की भी आपका बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है राजनीति करने की, हम सेवा करना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति का बिल्कुल इच्छा नहीं। और पॉलिटिशियन में तो भाई दूर से हाथ ऐसे हैं, ये आते हैं पॉलिटिशियन तो बनना नहीं चाहते ना करना चाहते हैं, हम लोग पॉलिटिशियन को सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या आप समझे महाराष्ट्र का, आप जरा इधर देखिए, आप पहले बता दीजिए महाराष्ट्र सरकार जो है सही से, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट चला रही है राज्य को, कुछ कमी नजर आ रही है आपको? सर मेरे से क्या पूछते हैं आप लोग, खुद बताओ क्या? कोई पार्टी को पॉइंट आउट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, जैसा पाजी ने बताया कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे देखे सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को किसी को तोड़ना नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन, हमको बीजेपी को भी लेके चलना है, मनसे को भी लेके चलना है, ऑल आर वेलकम, जो जनता के हित में काम करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, हम उनके साथ में खड़े। हम सिर्फ फिलहाल हमारे एनजीओ के हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं, हम फिलहाल पब्लिक का काम करने जा रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे, हमको कोई रोटी सेकना नहीं है पॉलिटिकल पार्टी बना के, हम सिर्फ काम करेंगे, पब्लिक के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जो हमारे साथ में है उसके साथ में दिल से काम करेंगे हम, और उसके लिए जो हमारे पास तकलीफ है, जिसकी तकलीफ है हमारे पास आएंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। तो कितना अलग प्रयास ये है, प्रयास ऐसा है हमारा, मतलब हम कोई कास्टिज्म नहीं है, कुछ नहीं, हम खाली कॉस्मो चलना चाहते हैं, पुल्ली कॉस्मो चलेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी हर एक हमारे साथ में, और हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सब सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं सर? आप मुस्लिम हैं? मैं सरदार हूँ। एक मुस्लिम की दुकान ओपनिंग पे सरदार आए तो इससे बड़ी एकता की बात और क्या हो सकती है? ये भी एग्जांपल है, बताइए ना, इससे बड़ी एकता की बात और क्या हो सकती है? या हिंदू मुस्लिम नहीं, या मुस्लिम सरदार भी है, हम अपने भाई के लिए खड़े हैं ना, कल को जरूरत होगी तो एक पैर पे खड़ा सबसे पहले हम लोग यहाँ मिलेंगे। जब आप विक्रम जी, जब मैं उनके पास मुलाकात के लिए गया तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए आप आए, तो मैंने कहा कि मेरा एक छोटा सा सलून का ओपनिंग है और मैं ये चाहता हूँ कि आपके हाथों से हो। तो उन्होंने कहा कि आने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझे फ़ोन कर देते, ये इतना डाउन टू अर्थ है कि मैं इनका फ़ैन हो गया। थैंक यू पाजी, आप आए, बहुत बड़ा शुरुआत करना करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत है, इससे काफ़ी लोगों को आप रोजगार भी देंगे, क्योंकि आज बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो इस दौरान जब आपको, आपने ये क्यों सोचा कि हमें विक्रम जी को भी बुलाकर अपनी ऑफिस की ओपनिंग, मतलब इसकी कोई वजह, कैसे, किस तरह आप उन्हें जानते थे पहले से? देखिए, जितने भी मैं किसी पॉलिटिशियन को भी बुला सकता था, बहुत सारे लोग हमारे टच में हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया है, मगर मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो, जिसकी सोच ये हो कि वो देश के लिए काम करना चाहता है, लोगों को जोड़ने का काम। और जैसे पाजी ने कहा कि आज जितनी भी पार्टियों को आप देखेंगे तो अपना अपना उनका एक सिस्टम है जिसको लेके चल रहे हैं, मैं ये नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसकी सोच है कि देश को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है, इसलिए मैंने, थैंक यू सो मच।